हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बीटरूट से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाएंगे, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़े साइज़ के बीटरूट को हमने छीलकर अच्छे से धोने के बाद रफली बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर लिया है। बीटरूट को हम ब्लेंडिंग जार में डालेंगे। साथ में डालेंगे 4 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च। अब हम इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। पीसते समय ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें 1 से 2 चम्मच पानी भी डालेंगे। बीटरूट को हमने इस तरह से पीस लिया है, अब हम इसे अलग रखेंगे। और अब हम लेंगे 2 कप गेहूं का आटा। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून तिल, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून जीरा, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 से 3 टेबल स्पून फ्रेश दही। अब हम इसमें बीटरूट का पेस्ट डालेंगे। लास्ट में 1 टीस्पून कसूरी मेथी या फिर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए इसका आटा तैयार करेंगे। आटा हमें सेमी सॉफ्ट लगाना है। आटा हमने लगा लिया है। आटा लगाने में हमने 2 चम्मच पानी का भी यूज़ किया है। अब हम आटे पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम आटे से थोड़ा पोर्शन लेकर लोई बनाएंगे। लोई हमने बना ली है, अब हम इसे बेलेंगे। लोई के ऊपर थोड़ा सा तिल डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और अब हम इसे बेलेंगे। पराठे को हमें ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला रखते हुए नहीं बेलना है। तो इस प्रकार से हमने पराठे को बेल लिया है। अब हम इसे सेकेंगे। सेकने के लिए तवे को हमने गरम करके रखा है। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। थोड़ी देर बाद हम पराठे को पलटेंगे और अब हम इस पे तेल लगाएंगे। पराठे को आप घी या बटर में भी सेक सकते हैं। दोनों साइड से पराठे को हमें अच्छे से सेकना है। दोनों साइड से अच्छे से सेकने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी प्रकार से बाकी के पराठे को बनाकर भी तैयार कर लेंगे। सारे पराठे हमने बना लिए हैं। पराठे को आप गर्मा गर्म दही या अचार किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बीटरूट के इस हेल्दी पराठे की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।